शुरुआत यह हुई है बिना कोई विकेट खोए 28 रन, मगर इस मैदान में कोई भी रन संख्या सुरक्षित नहीं है। हमने कल देखा सबसे बड़ा स्कोर खड़ा रहा और उसका उसे चेज भी कर दिया था और कुछ गेंदे शेष रखकर तो करके दिन भरत ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। पहले इनिंग में एजाज ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी और बहुत सारे उलटफेर भी देखने मिले इस प्रतियोगिता में हमें। तो आज के दिन कौन सी ऐसी टीमें होगी जो यहाँ जीत हासिल करेगी, और कुछ नए नए खिलाड़ी भी हमें नजर आए जिन्होंने काफी प्रभावित किया और उनके खेल के बलबूते पर सबको प्रभावित किया। जी हाँ बिल्कुल, और आपको इसी के चलते मैं राजस्थान 11 की टीम में कुछ नाम बताना चाहूंगा। हालांकि वो नाम ऐसे हैं कि शायद अभी इतने लोग बाग उनको जानते नहीं है, इतने फेमस नाम है नहीं, मगर बात की जाए इन्हीं की टीम में, ये लीजिए इसी बीच एक और मैक्सिमम रन्स, वन अदर बाउंड्री, अनदर मैक्सिमम इन द फर्स्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर, अनदर बाय किरण। पिछले दो साल में इस खिलाड़ी ने पूरे इंडिया में और गल्फ कंट्रीज में अपने खेल के बलबूते पर अपने नाम का परचम लहराया है। कल हमने कृष्णा पवार को देखा, प्रथमेश पवार को देखा, आज अगर हम देखें तो यहाँ देख रहे हैं किरण पवार को, और किरण पवार की पावर पूरी दुनिया को पिछले दो साल में मालूम हुई है। और आज किरण पवार जयपुर में दाखिल हुए और जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 32 रन पर पहुंच भी चुके हैं जबकि तीसरा ओवर जबकि फिलहाल शुरू हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस टीम में कुछ ऐसे नाम हैं जो अभी इतने फेमस नहीं है, मगर शायद आज खेल उनको दिख जाएगा, वो सभी क्रिकेट लवर्स उनको जान जाएंगे। और इसी बीच एक बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास और कॉट बिहाइंड यानी कि स्लिप में आउट हुए, सीधा सागर सिंह के हाथ में और पहला विकेट गिरता हुआ 34 के स्कोर पे। मगर जो अपना काम है वो बखूबी यहां पर निभा के गए हैं क्योंकि मात्र 11 रनों का उन्होंने सामना किया है और 32 रन पे पवेले लौटे हैं किरण पवार। 2 सिक्स और 4 चौके भी शामिल थे उनकी इस 32 रनों में, और एक बड़ा हिट लगाना चाहते थे। सामने गेंद थी, बल्ले का किनारा लिया और विकेट कीपर ने पीछे दूसरे प्रयास में इस कैच को लपका गया और वापस लौटना पड़ा किरण पवार को। अच्छी शुरुआत तो जरूर की है उन्होंने और मैदान के अंदर सरोज प्रामाणिक आते हुए। अब दोनों खिलाड़ी मैदान के अंदर, वेस्ट बंगाल स्टेट के राजस्थान के अंदर, एक तरफ है जगत सरकार प्रिंस ऑफ तारकेश्वर और उनका साथ देने मैदान के अंदर, और एक बड़ा खिलाड़ी हरफन मौला खिलाड़ी टॉप ऑलराउंडर इंडिया के सरोज प्रामाणिक जो दुर्गापुर से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, इमर्जिंग प्लेयर्स की बात की जाए तो अभी तक शायद जयपुर उनका नाम जानता है, राजस्थान और इंडिया को नाम जानना जरूरी है, जिसमें से आप राजस्थान 11 के कुछ नाम, आतिफ फॉकनर की चाहे बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए अयान खान की, ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको इस मैच में इम्पैक्ट डालते हुए दिखेंगे। अब शायद वो अपनी गेंदबाजी हो, चाहे वो उनकी बल्लेबाजी हो, या फिर बात कर लीजिए तीसरे डिपार्टमेंट फील्डिंग के अंदर, फुल एफर्ट देखने को मिलता है। अच्छी गेंद, इसी बीच एक बार फिर से पहली गेंद पर खाता खोलते हुए कैप्टन सरोज प्रामाणिक। अब बात की जाए इसी टीम राजस्थान 11 के कुछ नाम, इतने एक्सपीरियंस इनके अंदर शामिल है, चाहे वो बात कर लीजिए जो अभी इनके 12th मैन के रोल शायद इंपैक्ट में हमको नजर आ सकते हैं, सूर्या सैनी या फिर तरुण देहरान, को एक ऐसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, अपना एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, कितने साल उन्होंने क्रिकेट खेली है, और वो कुछ ऐसे प्लेयर है जो कभी भी शायद आपको विकेट भी देखेंगे, गेम पलट सकते हैं। राजस्थान के भी बड़े बड़े खिलाड़ी राजस्थान 11 में शामिल होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली की में भी भारत के बड़े बड़े सितारे हैं। तो आज खुद को साबित करने का एक मौका भी है राजस्थान 11 टीम को। जैसे आपने कहा राजस्थान के अंदर काफी अच्छा इन सभी खिलाड़ियों ने खेला है, मगर आज पूरी इंडिया को अपना दमखम दिखाने का मौका है। इस बीच एक और बेहतरीन गेंद, अगर बात की जाए लवकुश के इस ओवर की, पहली गेंद पर मैक्सिमम रन आया था, उसके बाद उन्होंने वापसी के लिए विकेट निकाला और उसके बाद लगातार दो गेंदें जो निकाली है, चाहे सिंगल सिंगल आया और इस बार बीट करा के, वो कॉन्फिडेंस में बिल्डअप हुआ है, वो विकेट निकालने के बाद अपनी जो लाइन लेंथ खोज रहे थे वो उनको मिल चुकी है। अंतिम गेंद,
इस बार स्लैश किया, गेंद को गैप पे निकाल दबा, व्हाट अ ब्यूटीफुल कट शॉट बाय सरोज परमानिक एंड दिस ओवर विद फोर। बात की जाए शॉट की, जैसे उनको रूम मिला और वहां पर उन्होंने होल बना दिया, पूरा मकान बना दिया सीधा चार रनों के लिए। बेहतरीन, जैसे ये मौका मिला बैकफुट पर गए, अब तक कुछ गेंदें जरूर अच्छी की थी और इस बार पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला, अच्छा फुटवर्क भी देखने मिला और टाइमिंग भी देखने मिला और रिजल्ट भी अच्छा था। देखते देखते तीन ओवर खत्म हुए, रन बने हैं 40 एक विकेट के नुकसान पर राजस्थान 11 के खिलाफ। धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली का ये मुकाबला, किरण पवार ने अच्छी बल्लेबाजी की, जबकि लवकुश जिन्हें पहले ओवर में 18 रन आए थे इसी फिर भी दूसरा ओवर उन्हें दिया गया और उन्होंने साबित किया खुद के कप्तान है और फिर खुद को साबित किया और जो विकेट की जरूरत थी किरण पवार की वो विकेट तो हासिल किए। तीन ओवर के बाद 40, 8 ओवर का ये मुकाबला राजस्थान कप में राजस्थान 11 खेल रही है, डी कंपनी और सिविल लाइन द्वारा ऑर्गेनाइज ये प्रतियोगिता। जी हाँ बिल्कुल, कैप्टन खुद को वापस लेकर आए और वहीं उन्होंने विकेट भी निकाले। और इस टीम की अगर गेंदबाजी में बात की जाए तो अभी हमको गेंदबाजी भी दिखे हैं अयान खान, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था इमर्जिंग प्लेयर अयान खान आए हैं बल्लेबाजी के लिए और उनके सामने देखिए आप कौन है, इंडिया के कह लीजिए नंबर वन बैट्समैन जगत सरकार। और यहां पर अयान खान को सबसे बड़ा रोल, यहां पर अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर इस ओवर में या फिर जगत सरकार के सामने वो अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन बेहतरीन दिखाते हैं तो उनको इंडिया जाने का। लीजिए पहली गेंद एक फुलर लेंथ, जगत सरकार को खामोश रखा है अभी तक, जो जगत सरकार ने चार गेंदे खेली तीन ही रन बना पाए हैं। और जैसे आपने कहा कि इसी वक्त आपको मौका होता है जब सामने आपके बड़ा खिलाड़ी होता है और आप अगर उसकी विकेट लेते हो उसके आगे अच्छी गेंदबाजी कर दो आपका नाम होता है और आज नाम करने का मौका है मगर उसके लिए आपको वैसा काम भी करना होगा। जी हाँ, और देखिए साथ मिलता हुआ सभी खिलाड़ियों का, यहाँ पर हर बॉल पे बताया जा रहा है यहाँ पर और इस गेम से पहले ही बताया था अयान को कि आपको कौन सी गेंद डालनी है। फाइनल स्लिप में लग रहे थे, सागर दौड़ कर आया, बताया अयान को और देखना होगा सरोज को कौन सी गेंद डालते हैं। फ्लिक जरूर करना चाहते थे, फील्डर से रही दूर, वन बाउंस ओवर द रो फॉर द फोर रन से यहाँ पर सरोज परमानिक का। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई थी और इस बार देखिए पैर पर करना चाहते थे और इस गेंद को फ्लिक किया स्क्वायर लेग की दिशा में और गेंद सीमा रेखा के बाहर चार रनों के लिए भेज दी। सरोज प्रामाणिक आते ही बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना उन्होंने शुरू किया है जबकि दूसरी तरफ अभी भी थोड़ा सा संयम से बल्लेबाजी कर रहे हैं जगत सरकार। 8 ओवर का मुकाबला है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी उनके पास टाइम है कि वो थोड़ा सा और सेट हो सकते हैं इस विकेट पर। इस बीच ये लीजिए सरोज परमानिक और ये गेंद आउट ऑफ द स्टेडियम मैक्सिमम रनों के लिए और एक बड़ा हिट सरोज प्रामाणिक, बेहतरीन बल्लेबाजी। ये देखिए उनके पाले में गेंद थी और इसे भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, अच्छा फुटवर्क देखने मिला, गेंद को भापा देखा और फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर। अयान की इस गेंद को 6 रनों में तब्दील कर दिया और देखते देखते चौथा ओवर शुरू है और 50 के पार स्कोर जा भी चुका है, 51 रन बने हैं धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के। और एक और यहां पर गलती और उसकी सजा मिलती हुई यहां पर सरोज परमानिक, माफ नहीं करेंगे आपको। जैसे ही स्लॉट में मिली गेंद और पहुंचा दिए बगल की प्लॉट में गेंद और एक बेहतरीन स्ट्रोक देखिए, ये भी गेंद थोड़ी सी आगे ही की थी और उसका फायदा उठाते हुए सरोज ने इस बार मिड विकेट की दिशा में इस गेंद को खेला और 6 रन अर्जित कर लिए और देखते देखते चौथा ओवर जब शुरू है और रन बने हैं 57। धमाका क्रिकेट क्लब ने धमाका करना शुरू किया है जयपुर के अंदर, दिल्ली की टीम जयपुर में धमाका कर रही है मगर राजस्थान 11 भी कुछ कम नहीं है, वो भी कमबैक करना चाहेगी और पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि कमबैक हो रहा है इस टूर्नामेंट में। और चंदू जी अयान खान एक नए गेंदबाज, 4 गेंदों पे अभी तक 17 रन बन चुके हैं, किस सोच से देखेंगे वो अब। एक और बैक टू बैक 3 in a row एंड अनदर मैक्सिमम दिस टाइम फुलर लेंथ और फुल टॉस बॉल एंड गोज टू आउट ऑफ द पार्क अनदर मैक्सिमम बाय सरोज परमानिक। लगातार तीसरा छक्का जड़ा है सरोज प्रामाणिक ने, कुछ अच्छी खासी रणनीति करके ही वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से यहां पहुंच चुके हैं और
सरोज प्रामाणिक के बल्ले से लगातार तीसरा छक्का जड़ा है उन्होंने। देखिए थोड़ा सा दबाव तो आयान खान के ऊपर था क्योंकि दो छक्के जड़े थे जो गेंदे उन्होंने ओवर पिच की थी। इस बार कुछ अलग करना चाहते थे, जड़ में करना चाहते थे और एक गेंद गई फुल टॉस, उसका फायदा उठाया और लगातार तीसरी गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। नाम है सरोज प्रामाणिक। जी चंदू जी, मेरा ऐसा मानना है चाहे तीन छक्के इस ओवर में आ चुके हैं मगर यहाँ पर आयान अगर विकेट निकालते हैं तो वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं इस मैच में, क्योंकि वो जानते हैं कि सरोज प्रामाणिक जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है वो कहाँ बख्शने वाले हैं ऐसे अगर आप उनको गेन करेंगे। उनके पास मौका है कि अगर विकेट निकालें तो इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक खराब गेंद, यहाँ देखिए फुल टॉस गेंद थी और उसका फायदा उठाया, कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला है। शायद आज एक दो रसगुल्ले थोड़े से ज्यादा ही खाए हैं सरोज भाई ने और आते ही बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना शुरू किया है। चार ओवर के समाप्ति के बाद 67 रन बने हैं और इसी गति से रन अगर बनते रहे तो हाइएस्ट स्कोर बना सकती है टीम, जो कल हमने देखा। जी हाँ बिल्कुल, और ये टीम बन सकती है दिल्ली धमाका। सिविल लाइंस एंड डी कंपनी प्रेजेंट्स राजस्थान कप के अंदर हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली, और मैं बताना चाहूंगा 70-70 बैक्स आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन जो कि आने वाले हैं कमिंग सून, जो कि आपके स्क्रीन पर लाइव दिख रहे हैं। ये जो अभी न्यू बैग्स प्रोवाइड करवाएगी 70-70 बैग्स जो कि आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं 70-70 की वेबसाइट पर, और दो बाउंड्रीज आ चुकी है मिस फील्ड के चलते थोड़ा सा दबाव जरूर है। और यहां पर एक और नई लॉन्चिंग टेनिस बॉल 77 की, जिससे ये टूर्नामेंट जो अभी खेला जा रहा है वो जो ब्रांड की जो बॉल यूज की जा रही है वो है 70-70। जगत खराब गेंद से शुरुआत इस ओवर की होती हुई और व्हाइट बॉल से स्कोर एक रन से आगे जाता हुआ 68 रन बने हैं अभी। जी हाँ, अंकित आए हैं न्यू गेंदबाज के रूप में, सामना करेंगे जगत। अभी तक जगत इस विकेट पे शांत दिखे हैं, अपनी सरकार नहीं बना पाए, बहुमत नहीं दिखा पा रहे हैं, मगर बहुमत है चाहे कह लीजिए, अपनी पूरी डिमांड अपने पूरा रुतबा दिखा रहे हैं यहां पर सरोज प्रामाणिक। पिछले ओवर की बात की जाए तीन बैक टू बैक मैक्सिमम और एक बाउंड्रीज के साथ एक ओवर को बड़ा बनाया था इन्होंने। इस बार एक बॉल हो चुकी है, दो रन इस ओवर में आए हैं और एक बार फिर से 8 गेंदों पे 31 रन बना के सरोज प्रामाणिक उनके सामने। और एक बार फिर से गेंद आगे की तरफ, स्लोर वन जरूर की थी मगर उसको पड़ा और एक उसको जड़ा इनसाइड आउट के चलते एक और बाउंड्री। सरोज प्रामाणिक आज अपने तेवर दिखाते हुए, आज अपनी मंशा पूरे करते हुए कि जो उन्होंने डिमांड की थी, जो उनका स्टेटमेंट था उसको प्रूव करते हुए। देखिए यहाँ थोड़ी सी गेंद आगे की थी, हल्के हाथों से की थी, आगे की थी और उसका फायदा उठाया और कवर्स के दायरे के ऊपर से इस गेंद को खेला और 4 रन हासिल किए। रुकने का नाम नहीं ले रहे सरोज प्रामाणिक, एक के बाद एक बेहतरीन स्ट्रोक खेलते हुए छक्के जड़े और ये देखिए चौका 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 चौकाने वाला स्ट्रोक सरोज प्रामाणिक द्वारा। अब बात की जाए पिछले शॉट्स की जो ये मार रहे थे ताबड़तोड़, और इस बार तो चाटा लगाया है यहाँ पर गेंद को, ये देखिए स्लैश शॉट, आने दिया गेंद को, वेट किया और जो बॉडी उनकी जो वेट दिखा, जो बैलेंस दिखा जिसके चलते शॉट में पूरा उनका कंट्रोल दिखा जिसके चलते एक और बाउंड्री। जगत सरकार अभी भी खामोश है मगर सरोज प्रामाणिक ने 39 रन बना भी लिए। एक बार फिर से यहां पर बार की तरफ मगर फुल लेंथ और एक और आधा दर्जन रन स्कोर कार्ड में जोड़ता हुआ एक बार फिर से सरोज प्रामाणिक के बैट से, और सरोज प्रामाणिक जाके पहुंचे हैं अपने 50 के आसपास और बन सकते हैं फास्टेस्ट 50
गेट अ बैट्समैन इन द राजस्थान कप, बना सकते हैं अपनी 50 ओनली इन 12 बॉल्स, अगर इस बॉल पर मैक्सिमम आता है तो। कोशिश जरूर की है पीछे फील्डर, और ये लीजिए यहां पर 50 तो नहीं बना पाए, विकेट निकाली अंकित ने, और तारीफ करनी होगी इस कैच की करण सिंह के द्वारा, बेहतरीन फील्डर, मगर यहां पर तारीफ करनी होगी सरोज परमाने की कि अपना जो काम निभा के गए हैं ये 12 गेंदों पर 45 रन। अच्छी शुरुआत करण ने की और उसके बाद सरोज ताबड़तोड़ अंदाज में सिर्फ 11 गेंदों में 45 रनों की एक ताबड़तोड़ अंदाज वाली पारी आ खेली। इस पारी में 4 छक्के जड़े, 5 चौके भी जड़े और इसी के कारण 45 रनों की एक बेशकीमती पारी भी उन्होंने खेली। इस बार भी कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, टाइमिंग प्रॉपर नहीं हुआ और एक अच्छा कैच भी वहां पकड़ा गया राजस्थान 11 की तरफ से, और दूसरा झटका, दोनों बल्लेबाज आउट हुए हैं, किरण और सरोज दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी अब तक की है। जी हाँ, और अब देखना होगा कि आगे आने वाला नाम कौन होगा बल्लेबाजी के लिए। कैच की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, खुद को फुल एफर्ट किया। और लीजिए बनारसी बाबू रवि बनारस आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जाना माना नाम इंडिया का रवि बनारस, बनारस की ब्रांड। जी आज रवि बनारस चंदू जी, देखिए 5 ओवर खत्म होने के हैं और स्कोर पहुंचा है 83। 100 रन की बात करके गए थे यहां पर टीम के कैप्टन मिस्टर परमानिक जी, और मुझे लग रहा है कि जैसे इनकी बल्लेबाजी चल रही है जगत सरकार अभी भी स्ट्राइक पर खड़े हैं, और आगे आने वाले नाम में भी इतनी क्षमता है, चाहे बात कर लीजिए करण अंबाला की, अभी आने वाले हैं वो, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या ये 150 को छू सकती है। खेले कुछ भी हो सकता है, मगर उन्हें मालूम है 100 से भी काम नहीं चलेगा, कल के दिन 100 से भी ज्यादा स्कोर जो था और उसे चेस किया गया था। बेहतरीन गेंद इस बार पड़ के बाहर की तरफ जाती हुई, जिसके चलते इस ओवर की हो जाएगी समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर जाके पहुंचा है 83 रन, 2 विकेट के नुकसान पर दिल्ली धमाका का। 5 ओवर 83 रन और 2 विकेट अभी तक देखने को मिले हैं, धमाका दिल्ली ने धमाके किए हैं। अभी राजस्थान 11 को भी यहाँ फिर एक बार विकेट आने के बाद मैच में वापस आना है, पकड़ बनानी है, और यहाँ से कुछ गेंदे डॉट आई, कुछ गेंदे विकेट आए तो दबाव बना सकती है। ऐसा जब आप सोच रहे कि 150 तक ये स्कोर जा सकता है, मगर यहाँ से अच्छी गेंदबाजी अगर हुई 100-110 में भी ये इसे रोका जा सकता है। ये क्रिकेट का खेल है जय जी, और वही प्रयास यहाँ राजस्थान 11 का भी होगा। राजस्थान के अंदर एक बड़ी टूर्नामेंट डी कंपनी और सिविल लाइन के तरफ से ये क्रिकेट टूर्नामेंट, और पहली बार इस तरह का फॉर्मेट, 70-70 की गेंद, 70-70 लाइव कवरेज और 70-70 के किट्स भी। अच्छी गेंद यहाँ पर अंकित के द्वारा, माफ कीजिएगा अंकुर के द्वारा। और अभी तक इस टीम में एक बहुत अच्छा नाम है, एक गेंदबाज बाएं हाथ के जितेश पारेख का नाम भी शामिल है, अभी तक गेंदबाजी में देखने को नहीं मिले हमको। एक और बेहतरीन गेंद अपील, और ये लीजिए LBW के रूप में विकेट जाती हुई यहां पर जगत सरकार की, आज अपना काम नहीं कर पाए और जाना होगा पवेलियन 83-43। और मैं पूछना चाहूंगा चंदू जी, ये जो विकेट निकली है, और पिछले ओवर की चाहे बात कर लीजिए, जो विकेट निकली थी जहां पर परमानिक जी आउट हुए थे, लगातार 2 विकेट आई है 4 गेंदों के अंदर, तो क्या इससे राजस्थान 11 ने कमबैक किया है और उस मैच में अपनी पकड़ वापस शिकंजा कस सकती है? कमबैक तो थोड़ा बहुत हो चुका है, स्कोर ज्यादा हुआ है मगर कमबैक यहाँ हो सकता है। मैंने जैसे कहा था सरोज की विकेट जाने के बाद, यहाँ अब तक थोड़ा सा संभल कर खेल रहे थे जगत, और इस गेंद पर खुलकर खेलने का प्रयास कर रहे थे, मगर अंकुर की ये गेंद काफी अच्छी थी और सीधा बॉडी से जाकर टकराई और स्टंप के सामने पकड़े गए, और कॉन्फिडेंस तो इस गेंदबाज का जरूर बढ़ेगा क्योंकि एक बड़ा विकेट उन्होंने लिया है। संजू कनौजी आए बल्लेबाजी के लिए रवि बनारस का साथ देने के लिए। रवि बनारस एक बड़े खिलाड़ी है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले, और दिल्ली के संजू कनौजिया, और ये दो बल्लेबाज धमाका दिल्ली के लिए, धमाका करने के लिए तैयार है, मगर राजस्थान 11 के भी खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए तैयार है।
जी हाँ बिल्कुल, और वो करके दिखाते हुए पीछे दो ओवर की बात की जाए, जो गेंदबाज जो एफर्ट दिया है फील्डिंग ने वो साथ मिलता हुआ, जिसके चलते दो विकेट निकली है पिछली चार गेंदों के अंदर। और नए बल्लेबाज एक लेफ्टी के आउट होने के बाद एक और लेफ्टी इन संजू कनौजिया। देखना होगा कि क्या ये वो जो मंशा जो रन रेट चल रही थी वो उसको कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज नए बल्लेबाज हैं इस समय मौजूद। इतना आसान नहीं होगा कि आते ही बड़े बड़े शॉट्स इनके बैट से देखने को मिले, क्योंकि उस वक्त वो गेंदबाज अलग थे, वो मंजर अलग था, वो पावर प्ले का साथ मिला था। इनसाइड आउट, करण क्या इंटरेस्टेड रहेंगे या फिर जाएगी बाउंड्री के बाद? जी हाँ बिल्कुल, जितनी दूर जानी चाहिए थी उससे थोड़ी ज्यादा, और देखे जाएगी पूरे छह रन। अच्छा स्ट्रोक, कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि गेंद हवा में है और कैच हो सकता है, मगर अच्छा टाइमिंग भी यहाँ नजर आया। और ये खिलाड़ी भी कुछ खास है, संजू कनौजिया मैदान के हर एक कोने में स्ट्रोक खेलते हैं। देखिए इनसाइड आउट का स्ट्रोक, आते ही पहली गेंद पर छक्का जड़ा है। और ये लीजिए एक बार फिर से उनको मौका मिला, और ये गेंद कितनी दूर जाके गिरेगी? अनदर मैक्सिमम 600 की स्ट्राइक रेट कंटिन्यू रखते हुए अनदर मैक्सिमम रन बाय संजू कनौजिया। खराब गेंद अगर आप करोगे तो धमाके तो जरूर होने हैं, और यही यहाँ होते हुए देखिए रॉन्ग वन किया था और चाइना वन जिसे कहते हैं, और ये गेंद उन्होंने जैसे भापा और फाइनल की दिशा में इसे फेंक दिया 6 रनों के लिए। जी मगर अगर जो बॉल थी वो काफी अच्छी हो सकती थी, अगर उसकी लेंथ थोड़े आगे रखती शायद वहां पर बल्लेबाज बीट होते, मगर उनको मौका मिला, गेंद पीछे की तरफ थी, वो साथ मिलता हुआ गेंद की टाइमिंग का, जिस वजह से ये एक और मैक्सिमम आता हुआ। विकेट आने के बाद न्यू बैट्समैन संजू कनौजिया आए और आते ही 12 रन दो गेंदों पर, और क्या देखना होगा कि यहां से क्या ये स्ट्रोक ये स्ट्रीम कंटिन्यू रखते हैं या फिर उस पे अंकुर अपना ब्रेक लगाते वो थाम करते हैं। जी नहीं, 3 in a row another maximum by संजू कनौजिया, and this time pure class दिखाते हुए, जैसे ही फुलर लेंथ गेंद मिली उसको फुल बैट ऑफ स्विंग, and that's gonna be another maximum। बेहतरीन कवर्स पॉइंट्स फाइन लेग, तीन बड़े हिट लगे संजू कनौजिया इनके बल्ले से, इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद की और एक पैर पर ही इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। इस टीम में मैं क्यों खेल रहा हूँ दिखाते हुए, और लगातार तीन धमाके करते हुए संजू कनौजिया। जी यहाँ पर जो सभी दर्शक आए हुए हैं, सभी दर्शकों की डिमांड थी हमको एंटरटेन देखने को मिले, वो मैक्सिमम रन से दर्शक एंटरटेन होते हैं, और वो करते हुए यहाँ पर सभी खिलाड़ी 4-4-4 और जी 4 in a row by 6-6-6 and 6। शायद ये 70-70 की गेंदों पर इस मैच में रिकॉर्ड भी बन सकता है, क्योंकि अभी स्कोर 100 के आगे जा चुका है, 107 रन बन चुके हैं, और आज कुछ इरादे करके ही आई है धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली। और जिस तरह से धमाके उन्होंने किए, 6 ओवर के बाद रन बने 107, 2 ओवर अभी भी बाकी है। इस टूर्नामेंट के का उनका आगाज काफी बढ़िया हुआ है, देखना होगा आने वाले 2 ओवर में कितने रन बनेंगे। किरण ने अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद सरोज प्रामाणिक, और इस वक्त संजू कनौजिया 4 गेंदे खेले और 24 रन बनाए 4 छक्कों के साथ। जी हाँ बिल्कुल, स्टार्ट जो उन्होंने करी थी अपनी इनिंग को 600 के स्ट्राइक रेट के साथ, और अंत लगातार 4 गेंदों पे उसको कंटिन्यू रखा है। कल की एजाज की बल्लेबाजी की याद हमें में आज भी आ रही है, जिस तरह से एजाज ने कल बल्लेबाजी की थी। और आज लगातार 4 छक्के भी जड़े संजू कनौजिया ने अंतिम 2 ओवर शेष है यहाँ, और जय जी क्या अच्छी शुरुआत यह की है धमाका क्रिकेट क्लब ने। इसके बाद भी अच्छा मैच होगा, डिंग डोंग नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स और हिसार ईगल्स। जी हाँ वाइट बॉल थी, जितेश पारीक आए हैं बाएं हाथ के गेंदबाज, आते ही थोड़ा बाहर की तरफ गेंद थी, वाइड की अपील बैट्समैन ने की, एम्पायर के द्वारा वाइड भी दी गई, उसके बाद रिव्यू की मांग की थी मगर मना किया कीपर के द्वारा, जी कहा जी नहीं ये वाइड बॉल ही है, रहने दीजिए रिव्यू को बरकरार रखिए। काम
जितेश पारिक, जी हाँ, जिस बल गेंदबाज की बात करी थी कि जितेश पारिक कहां है इस मैच में, आए और विकेट निकाली और भरपूर साथ मिलता हुआ यहां पर अजय सिंह का द्वारा, एक बेहतरीन एफर्ट, बेहतरीन कैच, चाहे बात की जाए दोनों ही कैचों के कारण, और अजय सिंह भरपूर साथ देते हुए इस मैच में फील्डिंग यूनिट के रूप में। रवि बनारस पुल तो उन्होंने जरूर किया था मगर टाइमिंग नहीं कर सके, और एक अच्छा कैच वहां लपक लिया, और जितेश जिनका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे थे कब गेंदबाजी के लिए आएंगे, और आए और आते ही उन्होंने विकेट भी ले लिया। यहाँ जयपुर के भी स्थानीय खिलाड़ी इस टीम में नजर आ रहे हैं और उनको भी मौका है खुद को साबित करने का इस बड़ी टूर्नामेंट में, राजस्थान कप में जितेश पारेख इस वक्त। जी हाँ बिल्कुल, तारीफ के काबिल हैं जितेश पारिक, इनके सामने आप इनको चुनौती पूर्वक गेंदबाजी करना पसंद है। जब गेंदबाज विकेट हो जाते हैं 15 पे 5 15 पे 6, तब कप्तान जब इनको गेंदबाजी देता है तो ये मना करते थे, जी नहीं अभी मेरा समय नहीं है, मगर जब रन चाहिए होते 17 18 10 6 गेंदों पे, तब ये वहां पर खड़े होते हैं कि मैं हूं यहां, आप मुझे दीजिए ओवर और मैं निकाल के दूंगा, ये स्टेटमेंट है जितेश पारिक। और गोलू गाजियाबाद, गोलू लेफ्टी आए हैं और इन्होंने भी अपने मंशा शुरू की है, 600 की स्ट्राइक रेट। जितेश पारिक एक फुल टॉस बॉल, उसको कहां बख्शने वाले हैं सभी बल्लेबाज, देखने को मिलता हुआ एक और मैक्सिमम रन। इस बार बेहतरीन गेंद डाउन द ग्राउंड सामने की दिशा में, एक रन और स्ट्राइक पर आ जाएंगे संजू कनौजिया, जिन्होंने 4 गेंद का सामना किया है और 600 की स्ट्राइक रेट को बरकरार रख के 24 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और रिकॉर्ड की दहलीज पर भी है। जी हाँ, हो सकता है सभी दर्शकों को और एंटरटेनमेंट देखने को मिल सकता है संजू कनौजिया के द्वारा, कि और मैक्सिमम रन ये अब तक अपनी इनिंग में लगाए। बल्ला जरूर घुमाया पीछे फील्डर सागर करन, माफ कीजिएगा, अच्छा एफर्ट, एक रन मिल पाएगा। स्ट्राइक पर एक बार फिर से आ जाएंगे गोलू लेफ्टी। एजाज कल के दिन के हीरो, क्या ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की थी और सबको प्रभावित किया इस धाकड़ बल्लेबाज ने। इस बार भी बड़ा हिट और इस गेंद को भी भेज दिया तारामंडल में 6 रनों के लिए, और एक बड़ा हिट गोलू गाजियाबादी जय कुमार के बल्ले से। जी हाँ, अभी हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहे थे एजाज खोकर, कल जब बल्लेबाजी कर रहे थे जो उनके ऊपर इनाम की बरसात हो रही थी, चाहे बरसात बात की जाए 51,000 या फिर बात की जाए 81,000 रुपए उनके ऊपर लगे थे कि अगर वो छक्के मारे तो। गोलू लेफ्टी, इस बार जितेश पारिक एक बार फिर से अच्छी गेंद, उसको सिंगल लेने की कोशिश और सिंगल मिल पे जाएगा इस ओवर की समाप्ति। 7 ओवर 123 रन 4 विकेट के साथ नुकसान पर दिल्ली धमाका। और जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कृष्णा वर्धन सिंह खाचरियावास इस समय हमारी स्क्रीन पर जो सिविल लाइन्स 11 है इसके ऑनर है, यहाँ पर जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है इनमें बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा हाथ कृष्णवर्धन सिंह खाचरियावास का। अब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी नेक्स्ट टीम के दोनों ही कैप्टन से, हिसार ईगल्स वर्सेस जो टीम है डिंग डोंग के, दोनों कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाए। डिंग डोंग के कैप्टन और कैप्टन हिसार ईगल्स के सुमित ढेकले। I
अजय आए हैं अंतिम ओवर लेके, अजय सिंह। अजय सिंह इस बार कीपर और स्लिप के बगल में से निकलती हुई गेंद सीधा चार रनों के लिए, बल्ला कहीं और घुमाना चाहते थे मगर भाग्य के साथ मिलता हुआ भारी किनारा और चार रनों के लिए जाती हुई गेंद, स्कोर जाके पहुंचा है 128। फिर एक बार अजय सिंह, धमाका क्रिकेट क्लब ने इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी कर दिया है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, अच्छी गेंद की अजय सिंह का कमबैक, 128 रन बने हैं जबकि आठवां ओवर इस पारी का अंतिम ओवर या चलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली संजू कनौजिया द्वारा, सरोज प्रामाणिक, किरण पवार और इसके बलबूते पर इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी बना है 128, 128 रन बने हैं। फिर एक बार अजय सिंह, अजय सिंह की इस गेंद को आड़े बल्ले से खेला मिड विकेट की दिशा में, दूर 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 बहुत दूर, सिक्सर। छह रनों से उछाल छलांग ली यहां स्कोर कार्ड ने और देखिए गेंद को आने दिया, थोड़ा सा टपा खाने के बाद घूमी भी थी ये गेंद मगर आड़े बल्ले से भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 35 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं संजू कनौजिया, 8 गेंदों में 35। इस बार रिवर्स का प्रयास था मगर अच्छी लाइन पर गेंद भी नहीं थी, फाइट बॉल करार दी अंपायर ने, 135 पर स्कोर जाके पहुंचा है। और धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के खिलाफ राजस्थान 11 का यह मुकाबला 70-70 स्पोर्ट्स पर, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। आज तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का, बैकफुट पर जाकर खेलना जरूर चाहते थे और एक अच्छी गेंद जो वाइट बॉल करार दी अंपायर ने और तीसरे अंपायर की तरफ डिसन जाता हुआ भी, क्या ये वाइट बॉल है या नहीं बताएंगे थर्ड अंपायर। अजय सिंह सिविल लाइन और डी कंपनी द्वारा ये प्रतियोगिता आज तीसरे दिन में आज पहुंची है। कल के दिन भी अच्छा क्रिकेट हमें देखने मिला, पहले दिन भी अच्छा क्रिकेट यहां देखने मिला। कल के दिन मनीष इलेवन झारग्राम और बालाजी इलेवन, ये दो टीम क्वालिफाई कर चुके हैं। पहले दिन भी अच्छा क्रिकेट, ऋतिका इलेवन अहमदाबाद गुजरात और उसके साथ सिविल लाइन ए, ऐसी चार टीमें क्वालिफाई कर चुकी है सुपर सिक्स के लिए। और आज के दिन इट्स अ फेयर डिलीवरी, अच्छी गेंद थी अजय, फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए आया अजय, कुछ अच्छी गेंदें भी देखने मिली उनके द्वारा, 134 रन बने हैं। और एक बड़ा हिट और अच्छी, अच्छा वहां कैच पकड़ा गया और खुद को बैलेंस किया, वहां संतुलित किया और एक अच्छा कैच भी, जैसे कि छह को कैच में तब्दील किया उन्होंने। और इस पारी के आखिर में एक अच्छी गेंद भी देखने मिली, आखिरी ओवर अच्छा भी देखने मिला, सिर्फ 11 रन इस ओवर में आए हैं और 8 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 134-135 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। जितेश पारेख के द्वारा पकड़ा गया था कैच और जैसे कि अंतिम बॉल पर ये विकेट आया और जो अंतिम ओवर रहा चंदू जी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो फिनिशिंग टच मिलना चाहिए था यहाँ पर दिल्ली धमाका को 134 रन के बावजूद भी, क्योंकि जो रन बने थे शुरुआत में बने थे, अंतिम ओवर्स में इतने रन देखने को नहीं मिले, तो क्या उसका बेनिफिट, वो फायदा उठा सकती है और वो पहली टीम बन सकती है राजस्थान 11 जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टारगेट चेस करे।
135 रनों का पीछा करना है, 134 रन बने की इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर पहली मैच में धमाका दिल्ली ने धमाका करते हुए बनाया है। किरण पवार ताबड़तोड़ अंदाज में शुरुआत की बतौर ओपनर, 11 गेंदों में 32 रन बनाए। जगत सरकार इस मैच में कुछ खास नहीं कर सके, 8 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए। सरोज प्रामाणिक इस इनिंग के हीरो रहे, 12 गेंदों में 45 रनों की एक जबरदस्त ताबड़तोड़ अंदाज वाली पारी उन्होंने खेली। रवि बनारस खाता नहीं खोल पाए। संजू कनौजिया इन्होंने भी काफी प्रभावित किया, 5वें नंबर पर आए, आते ही लगातार 4 छक्के जड़े जो याद रहेंगे, 10 गेंदों में 35। और गोलू जिन्होंने 5 गेंदों में 15 रन की पारी खेली, नॉट आउट रहे और 134 रनों पर। अजय सिंह जिन्होंने आखिरी ओवर किया, कामयाब गेंदबाज रहे, सिर्फ 11 रन खर्च किए। अंकित एक ओवर में 16, अयान खान एक ओवर में 27, काफी महंगे साबित हुए। जितेश पारेख एक ओवर में 16, इन्होंने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। लवकुश जिन्होंने 2 ओवर किए, 1 विकेट हासिल किया, 30 रन। और अंकुर जिन्होंने 2 ओवर खर्च किए, 1 विकेट लिया और 34 रन खर्च किए। दोनों टीम के कप्तान से विनती है, टॉस के लिए आपको आना है। हेलो, रिक्वेस्ट रहेगी राजस्थान 11 के कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए। ओहो, पहली गेंद पर बड़ा 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 प्रहार और छक्के से शुरुआत की, वाह बेहतरीन स्ट्रोक। अनुराग के खिलाफ पहले गेंद पर छक्का खेला है और
अशोक और लवकुश 135 का पीछा करना एक बड़ा टारगेट है इस टूर्नामेंट का, हाईएस्ट स्कोर बनाना बनाया है यहाँ धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली ने, और उनके खिलाफ पहली गेंद पर छक्के से शुरुआत की है टीम राजस्थान इलेवन ने। काफी रफ्तार से इस गेंद को किया, अंपायर की उंगली आसमान के ऊपर, और देखिए दूसरे ही गेंद पर वापस लौटाया यहाँ अनुराग ने। अनुराग सरसार भी काफी बेहतरीन गेंदबाज है और इस वक्त पूरे भारत में चर्चा इस गेंदबाज की भी है, मगर पहले गेंद पर छक्का जड़ा था, दूसरे गेंद पर आउट होकर वापस लौटना पड़ा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर शायद मुश्किल साबित हो सकते थे, बहुत बड़ा जो जीत का खतरा मंडरा रहा था वो उसको कहीं और लेके जा सकते थे अशोक सिन्हा, क्योंकि पहली गेंद पर मैक्सिमम रन आने के बाद एक लेफ्ट हैंड बैट गेंदबाज उनका विकेट निकालते हुए LBW के चलते। और अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं करण जयपुर उर्फ करण सिंह, जयपुर का जाना माना नाम और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ये करते हुए आपको दिखेंगे और नजर आएंगे इनके द्वारा बड़े बड़े शॉट्स, चाहे बात कर लीजिए इनसाइड आउट, चाहे बात कर लीजिए पुल, चाहे बात कर लीजिए लॉफ्टेड ड्राइव्स, ये बादशाह हैं आगे की गेंद और शॉर्ट लेंथ बॉल, अगर इनको मिलेगी तो ये आपको बख्शेंगे नहीं, उसका भरपूर रिजल्ट देंगे मैक्सिमम या फिर बाउंड्रीज के रूप में। करण जयपुर आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। अब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मैच में डिले ना करें, जल्द से जल्द मैच को कंटिन्यू करें, चाहे वो दोनों ही टीमों के प्लेयर्स रहे उनकी तरफ से कोई भी डिले नहीं होना चाहिए मैच में। एक बार पहली गेंद यहां पर करण को, बहुत ही बेहतरीन गेंद अनुराग के द्वारा, उनकी जो ऑफ कटर है वही उन्होंने डाली थी जो टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, जिस वजह से बड़ा शॉट नहीं खेल पाए और ब्लॉक करना पड़ा गेंद को, और डॉट बॉल रहेगी। अच्छी गेंद पहली गेंद पर मैक्सिमम रन आने के बाद। इस बार फुल टॉस गेंद, टैप किया गेंद को और एक रन मिल जाएगा और स्ट्राइक पर आ जाएंगे अब लवकुश। इसकी पहली गेंद थोड़ी सी धीमी गति से की थी और अंदर की तरफ घूमते हुए भी नजर आई, इस बार थोड़ा सा गति से करना चाहते थे, फुल टॉस गेंद थी और उस पर एक रन पूरा किया। जी हाँ बिल्कुल, वहीं जहां बल्लेबाज सोच ये रखता है कि उसको शायद जो कटर गेंद डाली थी उसके बाद एक बार फिर से वही प्रयास किया गया था, उसके विपरीत उन्होंने किया, तेज गति से गेंद डाली बिल्कुल आगे, तो बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और वहां पर जवाब भी नहीं था करण के पास, जिस वजह से उनको स्टैप करके सिंगल निकालना पड़ा। और जो कि जाने जाते हैं अनुराग अपनी गेंदबाजी पे, राइट हैंड जब बल्लेबाज आते हैं तो उनके लिए वो बहुत इजी हो जाता है गेंदबाजी करना, क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद उनसे बहुत दूर जाती रहती है और वही दिखा जिस वजह से बीट हुए लवकुश। और जो टारगेट मिला है यहाँ पर 135 रन का, पहले बल्लेबाजी करने के बाद दिल्ली धमाका ने ये स्कोर दिया है, तो उनके चलते उनको ये डॉट बॉल्स को नहीं कम से कम खेलना होगा, जो पावर प्ले इसका पूरा फायदा उठाना होगा, जितनी ज्यादा ये पावर प्ले में रन बना पाएंगे उतना इजी हो जाएगा आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए। इसी के बीच एक ओवर की समाप्ति, स्कोर पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, मगर कुछ खास नहीं हुआ है, पहले गेंद पर छक्का जड़ा था उसके बाद अनुराग ने दिखा दिया क्यों मेरे नाम की भी चर्चा है, और आने उसके बाद जो 5 गेंदें की उस पर सिर्फ 1 रन उन्होंने खर्च किया है। 135 का पीछा करना है, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन बने हैं, अभी भी 7 ओवर में 128 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। सभी दर्शकों का स्वागत है और पहले 2 दिन हमने देखा काफी मात्रा में दर्शक भी जयपुर वासी या इस प्रतियोगिता को देखने के लिए, इस टूर्नामेंट को देखने के लिए सिविल लाइन और डी कंपनी द्वारा ये टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है और इसे देखने के लिए काफी मात्रा में दर्शक भी शाम के वक्त और देर रात तक यहाँ हमने देखे। जी हाँ, और बात की जाए नेक्स्ट मैच की, अगले मुकाबले की, जहाँ पर आपको हिसार ईगल्स की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे कृष्णा सतपुते, सुमित ढेकले और राजस्थान के नंबर 1 ऑलराउंडर शाकिर अजमेर।
पहली गेंद इस ओवर की करण के द्वारा और कितने रन मिलेंगे देखना होगा। वन बाउंस ओवर द रोप फॉर द फोर रन शशि की इस गेंद पर। इस बार थोड़ी बैक ऑफ द लेंथ गेंद थी, उसको पड़ा और उसको बेहतरीन जड़ा यहां पर करण ने। जाने जाते हैं ऐसे शॉटों के लिए, उनका ये स्ट्रॉन्ग जोन है। इस बीच बाउंड्री और ये चाहिए यहां से आपको लगातार बाउंड्रीज में डील करनी होगी, नहीं तो ये जो टारगेट है ये मैच आपसे बहुत दूर ले जाएगा। फुल टॉस बॉल इनसाइड आउट एंड दिस इज वन बाउंस ओवर द रोप फॉर द फोर रन्स सीधा हमारे लाइव स्ट्रीम। सो यहां पर रहे बैठे हुए हैं आशीष जी इनके पास, जो हमारे सीधा कमेंट्री बॉक्स की तरफ हेलो हाय कहते हुए करण का ये शॉट। बैक टू बैक टू बाउंड्रीज दो चौके इस ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर और एक अच्छा संकेत मिलता हुआ करण का फॉर्म में होने पर। इस बार बीट हुए, अपील जरूर की गई है एम्पायर से क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई थी। क्या रिव्यू लेंगे देखना होगा। करण इच्छुक जरूर है मगर साथ ही लवकुश वो अक्सर जरूर बता पाएंगे क्योंकि उनको वहां से बेहतरीन एंगल दिखेगा क्योंकि वो वहीं खड़े थे, उन्होंने पूछा भी था मगर लवकुश ने मना किया। चलिए डॉट बॉल रहेगी ये तीसरी गेंद। अगली गेंद के लिए एक बार फिर से शशि, दो गेंदों पर चौके करने के बाद डॉट बॉल। अगली गेंद कट किया गेंद को और महूम यहां पर दरार थी उसमें निकाला, जैसे सुई में धागा पिरोते हैं उस तरह से ये शॉट उसी दरार में उसी गैप में और जाके गेंद रुकी बाउंड्री लाइन पर सीधा चार रनों के लिए। सराहना करनी होगी करण की, देखिए आखिरी वक्त तक इस गेंद को उन्होंने देखा और आखिरी वक्त इस गेंद को थर्ड मैन की दिशा में ढकेल दिया और चौका भी जड़ दिया, उन्होंने खुद को साबित कर रहे हैं। और ये लीजिए यहां पर वापसी की है शशि ने, विकेट चामा टू डाउन सीधा फील्डर के हाथ में गेंद और कोई गलती नहीं उनके द्वारा। शशि विकेट चामा वन और टीम के लिए विकेट चामा टू डाउन एट द स्कोर ऑफ 19। करण बैक टू पवेलियन। अच्छी बात दिल्ली धमाका के लिए कि करण को जल्द से जल्द उन्होंने पवेलियन भेज दिया क्योंकि एक वो बड़ी कांटा साबित हो सकते थे इनकी जीत में। किरण ने पकड़ा कैच और मैच पर पकड़ बनाने की कोशिश अब धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली की। एक बड़ा टारगेट सेट किया है, टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर किया है और उसके बाद शुरू में ही दो विकेट हासिल भी किए, सिर्फ 19 रन बने हैं। न्यू बैट्समैन के रूप में आए हैं अजय सिंह, टीम को काफी उम्मीद इनसे और खुद पे जिम्मा भी इनको निभाना होगा। अजय सिंह आज एक इतना इंपॉर्टेंट मैच और उस मैच में अगर साबित खड़े होते हैं कुछ महत्वपूर्ण रन्स बनाते हैं अपनी टीम के लिए जो पूरा इंडिया नाम इनका जानेगा। अजय सिंह अलवर से आने वाले बल्लेबाज, काबिलियत है इनके पास, कुछ शॉट्स भी है, कुछ यूनिक शॉट्स भी हैं, देखना होगा। पहली गेंद अजय को शशि की, पहली गेंद रिवर्स स्विच इट खेलना चाहते थे मगर बल्ले के ऊपरी लगी ये गेंद जिस वजह से कवर सीजन में मिल जाएगा एक रन। दो ओवर के बाद 10 के एवरेज से 20 रन बने हैं, 135 का पीछा करना था, दो विकेट वापस लौट चुके हैं और अभी भी बड़ा टारगेट सामने है, देखना होगा आने वाले समय में छक्के चौकों की बौछार करनी होगी मैच में अगर आना है। मगर यहां हेमंत बनियाल एंड कंपनी धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली इस वक्त अच्छी पोजिशन में राजस्थान 11 के खिलाफ। इसके बाद भी दोनों टीमों में बड़े बड़े सितारे नजर आएंगे, एक तरफ कृष्णा गौली नजर आएंगे तो एक तरफ कृष्णा सातपुते नजर आएंगे, सुमित डेकले एक तरफ नजर आएंगे, एक तरफ योगेश पेनकर नजर आएंगे, पिकू पॉल एक तरफ नजर आएंगे, बड़े बड़े सितारे प्रदीप पाटिल भी एक तरफ नजर आएंगे तो दूसरी राजेश सोरठे, बड़े बड़े सितारे दोनों टीम में है। तो इसके बाद का मुकाबला पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व की नजरें इसके बाद के हिसार इगल बनाम डिंग डोंग इस मुकाबले पर नजर रहेगी। सागर अली भी नजर आ रहे हैं, Yeah.
एक बार फिर से अनुराग को अटैक पे लाया गेंदबाजी के लिए उनका दूसरा ओवर, क्योंकि पिछले ओवर में विकेट भी उन्होंने निकाल के ली थी LBW के चलते, और जब लेफ्ट हैंड बैट्समैन करण उनके सामने मौजूद थे तो उनको आसानी से रन नहीं बनाने दिए थे, इस वजह से एक और नई गेंद के साथ ओवर लेके एक बार फिर से अनुराग। बड़ा शॉट मारने का प्रयास करण का, गैप में जरूर है, क्या सुपर फास्ट आउटफील्ड के चलते मिलेगी बाउंड्री? जी हाँ बिल्कुल मिलेगी, ये ताकत अजय सिंह तीसरी गेंद पर बाउंड्री, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दोनों ही कैप्टन से कि ये जब इनिंग खत्म होगी जल्द से जल्द आप कमेंट्री बॉक्स के सामने मिले, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिंग डोंग के कैप्टन जल्द से आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आए, डिंग डोंग के कैप्टन, डिंग डोंग टीम जो है इसके कैप्टन जल्द से आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। बेहतरीन गेंद यहाँ पर अनुराग शर्मा की द्वारा, और देखिए करण सिंह जब चौका लगाया गया था उनके बाद उनको बीट कराया यहाँ पर, मारने नहीं दे रहे हैं पूरा यहाँ पर अपना घुटना टेक झाड़ू शॉट बिल्कुल स्वीप करा था पूरा, गेंद तो साफ नहीं मगर जो विकेट के तो आसपास मिट्टी थी वो जरूर साफ हो गई उनके बैट फ्लो से। करण बड़ा शॉट, क्या ये उतनी ताकत देके जाएगा? जी नहीं, एक ही रन मिल पाएगा, स्ट्राइक पर आ जाएंगे लवकुश, लवकुश के द्वारा अभी तक खाता नहीं खुला है और कोशिश करेंगे कि लवकुश अपना खाता खोलें और जितने मैक्सिमम रन उसके द्वारा देखने को मिले वो मजा आ जाए। तीन ओवर के बाद 27 रन बने हैं, इस ओवर में भी कुछ खास रन नहीं आए और अभी भी 5 ओवर शेष है और 108 रनों की जरूरत अभी भी इस मैच को जीतने के लिए, और अभी से सभी की निगाह है इसके बाद के एक बड़े मुकाबले पर। अब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी डिंग डोंग के कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने आए, डिंग डोंग टीम के कैप्टन आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कृपया करके डिले ना करें, जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने कॉन्टेक्ट करें। रेशमा जी आपका वेट कर रही है टॉस कराने के लिए, दोनों ही कैप्टन जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के सामने है। और गेंदबाजी पर आए हैं करण अंबाला, पहली गेंद करण अंबाला, इट्स अप इन द फील्डर एंड दैट्स गॉन टेकन, विकेट नंबर 3 डाउन ऑफ इन द रोल अजय सिंह। पहली गेंद करण की बाहर की तरफ कटती हुई, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, टॉप एज लेके सीधा फील्डर के हाथ में सेफ हैंड्स। युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है करण अंबाला जिनके भी चर्चे हैं इस वक्त, और देखिए लेंथ पर गेंद की थी और इसे खेलना चाहते थे मिड विकेट की दिशा में, टाइमिंग नहीं कर सके और संजू कनौजिया ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। और देखिए ये मैच अगर कोई बल्लेबाज पलट सकता है किसमें काबिलियत है तो वो आ चुके हैं स्ट्राइक पर सागर सिंह, ये बल्लेबाज वो नाम है जो मैच कहीं से भी पलट सकता है सागर सिंह,
इज ऑन द स्ट्राइक, सामना करेंगे करण अंबाला का। टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद बीट हुए, जिस वजह से कोई रन नहीं इस बॉल पर। सागर सिंह एक बार फिर से बड़ा शॉट मारने का प्रयास, मगर बैट पे सही से आई नहीं गेंद, क्योंकि वेरिएशन दिखाया था वहां पर करण अंबाला ने। और एक रन मिल पाएगा वो भी लेग बाइस के रूप में, और स्ट्राइक पर आ जाएंगे लवकुश, जो कि अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। तीन गेंदे जीरो रन, और वहीं सागर भी दो गेंदे जीरो रन, करण अंबाला तीन गेंदे एक विकेट। स्लोअर वन गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, फुलर लेंथ अ यॉर्कर एंड दिस इज अ डॉट बॉल। अगर ये ओवर भी शांत देखने को मिला तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत दूर हो जाएगी इस मैच से राजस्थान 11 की टीम। छोटी बॉल एक बार फिर से शफल होके मारना चाह रहे थे, मगर उतने ही काबिले दिखाते हुए करण अंबाला अभी तक अपनी गेंदबाजी पर एक भी रन नहीं दिया और एक विकेट निकाल चुके हैं पांच गेंदों के अंदर। अंतिम गेंद शेष रहेगी, एक बार फिर से लवकुश वहीं चाहेंगे कि बड़ा प्रहार करने के लिए, क्योंकि टारगेट भी इतना ही बड़ा। और ये लीजिए डॉट बॉल के साथ करेंगे ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर पहुंचा है 28 रन तीन विकेट के नुकसान पर टीम राजस्थान 11 का। पहले बल्लेबाजी और उसके बाद गेंदबाजी में भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इस टीम का। राजस्थान 11 के खिलाफ धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली ने गेंदबाजी भी अच्छी की है, और पहले चार ओवर के बाद सिर्फ 28 रन बने हैं, जबकि 135 रनों का पीछा करना था। एक बार रन रेट बढ़ता हुआ चार ओवर 28 रन, आधा खेल आधी इनिंग अब तक हो चुकी है। कैप्टन सरोज परमार ने कहा है पहली गेंद सागर को एक रन के लिए, जी हाँ एक ही रन मिल पाएगा। अब कहीं ना कहीं ये जो मैच होएगा इसके बाद कहीं ना कहीं राजस्थान 11 की वो सोच रहेगी कि वो जो ओपनिंग जो नई गेंद से गेंदबाजी की गई थी, वो जो रन वहां पर बने थे, उसमें अगर थोड़ा सा कंट्रोल होता तो ये मैच शायद पकड़ में हो सकता था। बड़ा शॉट, कितनी दूर, जितनी होनी चाहिए मैक्सिमम रन लवकुश का। सातवीं गेंद पर अपना खाता खोला है, मगर खाता खोला है स्वैग के अंदाज में मैक्सिमम। सरोज परमार ने की गेंद पट की हुई और फुल बैट फ्लो के साथ मैक्सिमम रन। जाने जाते हैं लवकुश ऐसे शॉटों के लिए, मगर अभी तक देखने को नहीं मिला था, और हो सकता है कि ये पहला जो शॉट आया इसके बाद बैक टू बैक इनके बैट से देखने को मिले। रिवर्स नो बॉल, ये लीजिए नो बॉल। शायद यहां पर बल्लेबाज ने लाइन क्रॉस की, मगर एम्पायर ने नहीं एक हाथ उठाया अपना नो बॉल का इशारा दिया और अपना हेलीकॉप्टर घुमाया बल्लेबाज को बताने के लिए कि आप अपना हेलीकॉप्टर घुमा सकते हैं, क्योंकि अगली गेंद जो रहेगी वो रहेगी फ्री हिट बॉल। घुमाया है हेलीकॉप्टर और कितनी दूर, जितनी होनी चाहिए फील्डर के थोड़ा ऊपर होने की वजह से ये मिल जाएगी बाउंड्री चार रन के रूप में। एक फुलर लेंथ बॉल, उस पर भरपूर प्रहार, हेलीकॉप्टर जरूर लैंड जरूर बाउंड्री के बाहर नहीं हुआ, मगर लैंड वहां पर हुआ जहां होना चाहिए था, जिस वजह से मिल गई बाउंड्री। सागर सिंह यहां से मैच जरूर बदल सकता है। सागर सिंह स्ट्राइक पर है, बड़ा शॉट, कितनी दूर, यहां पर बहुत बहुत और बहुत मैक्सिमम रन। सागर खुद को साबित कर रहे हैं, देखिए मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, यहाँ सागर कोशिश कर रहा है इस मैच में बड़े बड़े खिलाड़ियों के सामने बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश, और कामयाबी रही। चेक चेक चेक,
एक बार फिर से सागर सिंह स्ट्राइक पर आएंगे और यही कोशिश रहेगी कि डील्स की जाए मैक्सिमम रन के अंदर। बल्ला जरूर घुमाया है और कहां पर लैंड होगी गेंद देखना होगा बहुत दूर। जी नहीं जी नहीं, what a outstanding fielding by the fielder and that's a wicket number 4 down at the score of 47 and काबिल के काबिलियत की तारीफ यहां पर। फील्डर तारीफ करनी होगी इनके, बेहतरीन कैच। और एक कल के दिन आकाश तारीकर ने एक बेहतरीन कैच पकड़ा था और आज देखिए उज्जवल ने दौड़ते बहुत दूर तक दौड़े और जबकि इस ऐसा लग रहा था कुछ समय तक कि ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी मगर एक बेहतरीन कैच भी यहाँ उज्जवल ने पकड़ा। पांच ओवर के बाद 47 रन बने हैं। एक बड़ा टारगेट का पीछा करते हुए इट्स अप इन द एयर फील्डर एंड टेकन विकेट नंबर 5 डाउन। आधी टीम पवेलियन में सरोज करण के द्वारा, करण की पहली गेंद पर विकेट लवकुश के रूप में। थोड़ा सा आज वो सिस्टम नहीं बिठा पाया अपना लवकुश जिस वजह से उनको पवेलियन लौटना होगा और देखना होगा कि न्यू बैट्समैन के रूप में कौन आता है क्योंकि काफी जयपुर के बड़े बड़े नाम जितेश पारेक, आयान खान, सूर्या सैनी, तरुण देरान, आतिफ फॉकनर कोई भी आ सकता है अपनी स्ट्राइक लेने। मैच तो काफी दूर जा चुका है क्योंकि करंट रन रेट जो चल रही है लगभग 9.5 की और जो रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए वो कुछ ज्यादा ही चाहिए। यहां से आपको लगभग 85 रन बनाने हैं 17 गेंदों पर जो कि मुश्किल होता जा रहा है। अगर क्या कहेंगे चंदू जी 17 गेंदों में लगभग 88 रन क्या बन सकते हैं, क्या चेज हो सकते हैं? क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है मगर कोशिश करनी चाहिए। मगर मैच पूरी तरह से इस वक्त अगर देखा जाए तो धमाका दिल्ली के पास जा भी चुका है क्योंकि छठा ओवर चल रहा है, सिर्फ 47 रन बने और 5 विकेट का नुकसान भी हो चुका है। जिस तरह से पिछले 2 सालों में धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली का भी परफॉर्मेंस रहा है ऑल इंडिया लेवल के टेनिस बॉल टूर्नामेंट में, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ये टीम ने भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला है तो इस टूर्नामेंट में भी काफी अच्छी खासी तैयारी के साथ हेमंत बनियाला एंड कंपनी दाखिल हुई है इस टूर्नामेंट में। फुल टॉस बॉल थी यहां पर, उसको लॉफ्टेड शॉट खेला, वन बाउंस ओवर द रोप और इस बार फील्डिंग शॉट की तारीफ तो करनी होगी मगर फील्डिंग सेटअप अगर देखें तो उन्होंने बाउंड्री लाइन पर सामने की दिशा में कोई फील्डर नहीं रख रखा है, इस वजह से थोड़ा सा आसान हुई ये बाउंड्री, अन्यथा शायद पवेलियन लौटना पड़ सकता था जितेश पारिक को। स्लोर वन बॉल करण अंबाला, एक और डॉट बॉल। जब आपके पास चंदू जी पहाड़ जैसा लक्ष्य हो डिफेंड करने के लिए तो गेंदबाज को कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ही जाता है और ये लीजिए 3 विकेट्स ले चुके हैं करण और जितेश पारिक के रूप में 30 विकेट सीधा फील्डर के दस्तान हाथों में। उन्हें बल्लेबाजी का मौका तो जरूर नहीं मिला मगर करण अंबाला ने 3 विकेट झटक लिए और 3 विकेट हासिल किए उन्होंने और जिस तरह से बल्लेबाजी हुई थी अच्छी बल्लेबाजी रही थी और गेंदबाजी भी एक प्रोफेशनल टीम के तौर पर धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली यहां दिखाते हुए राजस्थान 11 के खिलाफ उनके सामने, मगर अब मैच लगभग तो खत्म हो चुका है, सिर्फ अब यहां मौका है खुद को साबित करने का। और बल्लेबाजी के लिए अब आए हैं सिविल लाइंस के जाना माना नाम सूर्या सैनी आए हैं बल्लेबाजी के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। एक टीम
सूर्या सैनी, स्लोअर वन बॉल सिंगल निकाला कवर्स क्रीजन में खेल के, जी नहीं मना किया, स्ट्राइक पर अभी भी रहेंगे। डॉट बॉल 6 ओवर 51 रन 6 विकेट। दूसरे पारी में एक तरफा मैच हमें देखने मिला, एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसे विकेट आए शुरू में और दबाव और बढ़ता गया और 6 ओवर के बाद 51 रन। पहले दिन का खेल हमने जिस तरह से देखा था 65 या 70 के बीच में एवरेज रन बन रहे थे, कल के दिन मगर बड़े बड़े स्कोर देखने मिले, मगर पहले दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये स्कोर 6 ओवर का अच्छा था, मगर ये बड़ा टारगेट है और उसके सामने 12 गेंदे और 84 रन की जरूरत। जी कहीं ना कहीं राजस्थान 11 की वो गलतियां, वो मिसफील्ड, वो जरूर ध्यान में रखनी होगी, वो बिना रणनीति के गेंदबाजी, थोड़ा सा अगर उस पर फोकस करेंगे तो ये मैच अपने नाम कर सकते थे। एक रन मिल जाएगा, स्ट्राइक पर आ जाएंगे सूर्या सैनी। और आप सभी दर्शकों को बता दूं, सिविल लाइंस जहां पर ये टूर्नामेंट हो रहा है वहीं के लोकल प्लेयर हैं सूर्या सैनी। अभी तक जितने भी क्रिकेट खेली इन्होंने काफी इस विकेट ग्राउंड पर खेली है और काफी ज्यादा दर्शक जो जब भी सूर्या सैनी बल्लेबाजी के लिए आए हैं इनका स्वागत किया है सीटियों के साथ, तालियों के साथ, अपनी शोर गड़गड़ाहट के साथ, बस उनके लिए ही कुछ अगर मैक्सिमम रन्स देखने को मिले सूर्या सैनी के बैट्स पे तो मजा आ जाएगा। अच्छी गेंद और जगत सरकार, बहुत कम बार देखने मिलता है जगत सरकार गेंदबाजी के लिए और गेंदबाजी में भी अपने हाथ आजमाते हुए जगत सरकार। और चंदू जी मैं आपको बताना चाहूंगा सूर्या सैनी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं अगर क्रिक रोज पे इनके रिकॉर्ड की बात की जाए तो लगभग इनके 15,000 रन कंप्लीट हो चुके हैं और वो भी सिर्फ जयपुर के अंदर, ओनली इन जयपुर ये 15,000 ही बन चुके हैं। जगत सरकार गेंदबाजी पर, उनके सामने अक्सर देखने को नहीं मिलते गेंदबाजी पर मगर आज आए हैं। कॉर्पोरेट क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, लेदर टेनिस का अभी थोड़ा इन्होंने गेम कम कराया, पहले काफी एक अच्छे टेनिस प्लेयर जो रेगुलर खेलते थे। इस बार इनसाइड आउट और कितनी दूर, मैक्सिमम स्लोअर थी गेंद, आगे बढ़े उसको पूरा अपना बैट फ्लो दिखाया जिसके चलते यहां पर मैक्सिमम रन्स, अच्छा शॉट बॉडी वेट ट्रांसफर सिर सीधा जिसके चलते अच्छा कनेक्शन, बेहतरीन कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, बाहर निकल कर खेले और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, थोड़ा सा लेट ही सही मगर खुद का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा एक बड़ी टीम के साथ ये अगर स्कोर आता है तो। ये डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, मैच तो काफी दूर जा चुका है मगर दर्शकों के लिए कुछ एंटरटेन कर सकते हैं यहाँ पर बल्लेबाज, 7 ओवर 59 6 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर, सूर्या सैनी जरूर रहेंगे स्ट्राइक पर। पहली पारी में काफी बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिली, किरण पवार की बल्लेबाजी अच्छी देखने मिली, जगत सरोज प्रामाणिक ने काफी अच्छा खेला, लगातार 4 छक्के जड़े थे संजय कनौजिया ने और उसके बाद गेंदबाजी काफी अच्छी रही इस टीम की, धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली। लोकेश आए गेंदबाजी के लिए और डॉट बॉल से शुरुआत। क्या लगता है चंदू जी आपको सूर्या सैनी के मैक्सिमम रन दिखा पाएंगे इस दर्शकों के लिए एंटरटेन, थोड़ा सा मैच जरूर बहुत दूर जा चुका है अब तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये जीत जाए, मैच तो लगभग खत्म ही हो चुका है मगर जाते जाते हम अपने जो दर्शक है उन्हें कुछ करने का मौका उनके पास है, एक दो बड़े हिट लगाने का, मगर गेंदबाज लोकेश कुछ कम नहीं है, वो भी काफी बढ़िया गेंदबाज है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और जो उसी के लिए इस डी कंपनी के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के लिए दाखिल हुए जयपुर में। जिस बार बल्ला जरूर घुमाया है, एक रन मिल पाएगा स्ट्राइक पर, आ जाएंगे रोहित। और ये जो मैच रहेगा इसमें कुछ ना कुछ बदलाव शायद हमको देखने को मिलेंगे या फिर कुछ ना कुछ सीख, कुछ एक अलग रणनीति के साथ दिखाई देगी अगले मैच में, क्योंकि एक बार और फिर से मौका मिलेगा राजस्थान 11 को, क्योंकि जो यहाँ पर मैचेस चल रहे हैं राजस्थान कप में, बड़ा शॉट कितनी दूर, जितनी होनी चाहिए।
और एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ देखने मिला। अंतिम कुछ क्षणों में खुद को साबित करने का प्रयास यहाँ जारी है और मैच लगभग खत्म हो चुका है। बड़ी जीत की तरफ धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली निकल चुकी है। लोकेश और एक अच्छी गेंद करते हुए, जड़मी की इस बार काफी रफ्तार भी देखने मिली इस गेंद में और जीत के दहलीज पर राजस्थान कप में पहली मैच में एक भारी मात्रा से जीत की ओर चलती हुई टीम धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली। और इस मैच को जीत लिया है धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली, हेमंत बनियाल एंड कंपनी। राजस्थान 11 के खिलाफ धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली ने एक बड़ी जीत हासिल की है। चेक साउंड, चेक, हेलो, माइक चेक, चेक। सो जयपुर एक बार फिर से हम आप सभी का